अमरकंटक के अधिष्ठात्री देव हैं और ये अमरकंटक के मध्य बिंदु में अवस्थित हैं। अमरेश्वर महादेव के चारों ओर एक योजन का जो तीर्थ का क्षेत्र है वो अमरकंटक कहलाता है। समांतात योजनम तीर्थम पुण्यम अमरकंटकम रुद्रकोटि समोपेतम तेन तत् पुण्यमत्वम। और यह कोटि रुद्रों से युक्त है पूरा पर्वत। यन मूले अमरेश्वरो विजयते श्री सिद्धनाथ दा। अमरकंटक से नदी का जहाँ उद्गम है खम्भात की खाड़ी तक चार सिद्ध शिवलिंगों का वर्णन है जिसमें मूल में अमरेश्वर है और दूसरे हैं सिद्धनाथ, ये हैं अंडिया नेवार में, और तीसरे हैं कावेरी से परिवेष्टित और सामने से माँ नर्मदा से ओंकारेश्वर और पश्चिम में शूलपाणेश्वर। तो चूंकि मूल में होने से यहाँ जो भी पूजन लोग करते हैं तो अमरकंटक स्थित जो कोटि रुद्र हैं वे सभी तृप्त होते हैं। ये यहाँ का महात्म्य है ये। और माता ये अदिति की तपस्या के फलस्वरूप देवदानों में सदा युद्ध होते रहते थे और उस समय देवता पराजित हो जाते थे तो उनके उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए माता अदिति ने घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए थे। तो ये अमरकंटक के ज्योतिर्लिंग भी हैं एक प्रकार से, क्योंकि अमरेश्वर जो है ओंकारम ये अमलेश्वरम कहा जाता है। रा और ला का अभेद होता है व्याकरण में, तो अमलेश्वर जो है जिसका वर्णन है ओंकारम अमलेश्वरम तो वो ही अमरेश्वर हो जाते हैं। और अपना जो अमरकंटक है ये भी ओंकार स्वरूप है। अमरेश्वर महादेव का अमरकंटक में इनका महात्म्य का वर्णन। Thank you.